केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदललेलं आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव आता शिक्षण मंत्रालय असं झालेलं आहे. नवीन शिक्षण धोरणाला देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिलेली आहे. या क्षणाची मोठी बातमी आपण पाहतो आहोत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव आता शिक्षण मंत्रालय असं झालेलं आहे. नवीन शिक्षण धोरणालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिलेली आहे. शिक्षणाची मोठी बातमी आपण पाहतो आहोत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव आता बदललेलं आहे. शिक्षण मंत्रालय असं नाव आता यापुढे या मंत्रालयाचं असणार आहे. समय मिले बच्चे को कि ये सब चीज एक्सप्लोर कर सके. वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जाएगा. वोकेशनल जो है वो क्लास 6 से शुरू किया जाएगा. ये भी इस पॉलिसी में पहली बार है. पिछली पॉलिसीज में दिया हुआ है कि स्कूलिंग में सेकेंडरी लेवल पे वोकेशनल शुरू होगा. ये कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा. इसमें इंटर्नशिप्स भी हम पॉलिसी में लेके आए हैं कि बच्चा जो लोकल क्राफ्ट्स पर्सन है या ट्रेड पर्सन है वहां जाकर के बैगलेस दे करके 10 दिन की इंटर्नशिप साथ में उनके साथ बैठ के करे. चाहे वो लॉन्ड्री चलाता हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, उसके वहां जाके अटैचमेंट करके बच्चा समझे कि लोकल क्राफ्ट्स ट्रेड्स क्या हैं. जो एक और मेजर रिफॉर्म है वो करिकुलम फ्रेमवर्क, जो हमारा पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा होने वाली है वो 4 जगह वो चेंज होने वाली है. एक तो स्कूली शिक्षा की जो एनसीएफ है वो 2005 में बनी थी, 15 साल हो चुके हैं उस बात को, वो नया पाठ्यक्रम आएगा. उसी तरह से जो टीचर्स एजुकेशन जो 2009 में बनी थी 11 साल पहले, वो भी अब हम हाथ पर लेंगे. जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की मैंने आपसे जो बात करी कि वो भी जो है अब की बार पहली बार इस तरह से बनेगा कि 0 से 3 वर्ष का सब फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आप घर पे क्या कर सकते हैं. और 3 से 6 वर्ष का आंगनवाड़ी के अंदर या प्री स्कूल में अगर बच्चा है तो उसके लिए बताया जाएगा. बोर्ड एग्जाम इसके ऊपर काफी विस्तृत में पॉलिसी में लिखा हुआ है. बोर्ड एग्जाम जो है उसका महत्व जो है उसको कम करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया है कि मॉड्यूलर एग्जाम्स हो सकते हैं, साल में एक बार होना जरूरी नहीं है, 2 बार हो सकते हैं. बोर्ड एग्जाम्स के लिए हर सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स से शुरू करते हुए हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पे ऑफर किया जा सकता है. और तीसरा ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को 2 भाग में बांटा जाए, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. इस तरह से काफी सारे इसके अंदर पॉलिसी में चीजें लाई गई हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए. और ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम्स सिर्फ नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट करे, रोट लर्निंग को नहीं. जो आप रट करके जाते हैं उसको नहीं, लेकिन वहां जाकर के जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके नॉलेज को अप्लाई करने की बात है उसको टेस्ट किया जाए. जो शिक्षा का माध्यम है उसमें ये लिखा है कि जहां तक पॉसिबिलिटी हो वहां तक 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या नहीं तो क्षेत्रीय भाषा हो या घर की जो भाषा बोली जाती है उसमें पढ़ाया जाए, और हो सके तो 8वीं तक पढ़ाया जाए और उसके आगे भी पढ़ाया जाए जहां पॉसिबल हो. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें लेके आए हैं कि जो बच्चे का जो आप रिपोर्ट कार्ड होता है, आप सबके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आता होगा, वो 2 पेज का होता है. एक साइड सब्जेक्ट लिखे होते हैं और उसमें कुछ मार्क्स और लाल रंग की लाइन वाइन कहीं डाल दी जाती है, और दूसरी साइड लिखा जाता है कि बच्चा क्लास में बात नहीं करता, बस इतने सा रिपोर्ट कार्ड होता है. ये एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है. इसमें 3 तरह के मूल्यांकन होंगे. एक तो खुद बच्चा अपना मूल्यांकन करेगा, दूसरा सहपाठी जो उसके हैं वो उसका मूल्यांकन करेंगे, और तीसरा उसके शिक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे. और ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें हर साल इस बच्चे को कौन सी लाइफ स्किल इस बच्चे में समावेश होनी चाहिए वो लिखा होगा, पेरेंट्स के साथ चर्चा होगी, और वो हर लाइफ स्किल के ऊपर चर्चा करता हुआ रिपोर्ट कार्ड बनेगा. जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करके जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास अपने पिछले 15 साल का पूरा एक जिसको कहते हैं कच्चा चिट्ठा होगा, जिसमें लिखा होगा कि वो कौन कौन सी स्किल्स उसने इम्बाइब करी है. हर एक बच्चे का, चूंकि हम बुनियादी शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देने वाले हैं, तो ऐसे हर एक बच्चे का लर्निंग आउटकम्स हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि उस बच्चे ने बुनियादी शिक्षा लिटरेसी और न्यूमरेसी उसको अचीव की है या नहीं, तो वो उसकी बात की गई है. एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसका नाम परख रखा गया है. परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस रिव्यू
परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे को परखने के लिए क्या करना चाहिए। ये जो सेंटर है जो हमारे देश में करीब अभी 60 रिकग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, गाइडेंस, ये पहली बार हो रहा है, ये किसी शिक्षा नीति में पहले कभी नहीं आया है। ये गाइडलाइंस देंगे ताकि जो हर एक स्कूल बोर्ड है, एक बेंचमार्क जो सेट किया जा रहा है वहां तक पहुंच सके। एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ऑफर करेगी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ताकि जो बच्चे हैं एक कॉमन एग्जामिनेशन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑफर होगा एनटीए की तरफ से। टीचर्स के लिए एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे टीचर की रोल एक्सपेक्टेशन क्या है और टीचर को किस बेंचमार्क पे पहुंचना है उसके बारे में एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा। ये एनसीईआरटी और एनसीटीई मिलकर तैयार करेंगे और ये पूरे देश में लागू होगा। बुक्स की प्रमोशन के लिए, बुक ये पढ़ना कितना जरूरी है इसके ऊपर हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ नहीं पाता है तीसरी कक्षा तक तो वो आगे उसका पढ़ाई जो है उसकी बहुत सीमित हो जाती है। तो बुक्स, रीडिंग एंड प्रमोशन पॉलिसी, उसी तरह डिजिटल लाइब्रेरीज के ऊपर जोर रहेगा। सर ने जैसा बताया, स्कूल्स में भी एक ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम होगा सेल्फ डिस्क्लोजर का स्कूलों का, फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसके आउटकम्स क्या होंगे? पहली चीज तो मैंने जैसे कि कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के सेकेंडरी स्कूलिंग का यूनिवर्सलाइजेशन 2030 तक करने की बात है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ये पॉलिसी अलाइंड है। दूसरी चीज की जो बुनियादी शिक्षा है, हर बच्चा जो कक्षा 3 में पहुंचेगा उसकी बुनियादी शिक्षा अचीवमेंट हो, वो 2025 मतलब 6 साल के अंदर करने की बात है। 100% GER सेकेंडरी लेवल की 2030 तक। जो हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं वो हर एक बच्चे को हमें वापस लाना है। जो टीचर्स हैं उनको जो अब नए तरीके से असेसमेंट होने वाला है, मूल्यांकन का तरीका बदलने वाला है, उसके लिए उनकी तैयारी 2023 तक करके उसको हमें लागू कर देना है। जो इंक्लूजन के लिए सर ने ऑलरेडी बात कर ली है कि हमको सारे बच्चों को, हर तरह के बच्चों को, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी कम्युनिटी से हो, किसी कास्ट से हो, किसी रिमोट एरिया से हो, हर तरीके के बच्चों को समावेश करने के लिए स्पेशल पॉलिसी एस्पेक्ट्स हैं, वो 2030 तक सब पूरे किए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स का मैंने आपको बता ही दिया है। हर बच्चे का इसमें ये लिखा है कि जब वो स्कूल से निकलेगा तो एक स्किल, एक वोकेशनल स्किल उसको वो हासिल करके निकलेगा, ये भी इसमें पॉलिसी में लिखा है। और जो कॉमन जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं जो सेल्फ डिस्क्लोजर के, वो पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के लिए कॉमन रहेंगे, दोनों को एक ही स्टैंडर्ड में पहुंचने का है। तो ये स्कूल का इतना ही था, अभी सर आपको इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद अनीता जी। वी हैव प्रेजेंटेड बिफोर यू इन स्पैन ऑफ से हाफ एन आवर the major highlights of the policy. We would again state that it is aimed at bringing transformational change, not incremental change, but transformational change in both higher education sector and the school education. The new system in school will be 5+3+3+4 in place of 10+2. In higher education, there will be multiple entry and exit system, introduction of 4-year courses, common regulatory system by a common regulator, single regulator, National Research Foundation, these are the important highlights of the new policy. प्रारंभ में ही मैंने निवेदन किया था कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति बनी थी। इस अवसर पर मंत्रालय, सर आपकी अनुमति से, मंत्रालय की ओर से उनका और सभी मेंबर्स का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और एक जानकारी अपने बंधुओं को देना चाहूंगा कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि अगर मीडिया के कोई बंधु उनसे, इसीलिए उनके कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए हैं, इफ एनी वन ऑफ यू विश टू कॉन्टैक्ट हिम, ही विल बी अवेलेबल, ही इज इन बैंगलोर, ही विल बी अवेलेबल फॉर एनी क्वेरीज। थैंक यू सर, सभी को धन्यवाद। और नेक्स्ट, इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद
जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा, उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। जैसे कि हमारे सचिव स्कूली शिक्षा और सचिव उच्च शिक्षा ने विस्तार पूर्वक सभी बातों को सूत्र रूप में रखा है, और हमारे बड़े भाई आदरणीय जावड़ेकर जी जो इस मंत्रालय में और इस शिक्षा नीति से तब से लेकर लगातार जुड़े रहे हैं, जिनके समय में, जिनके मार्गदर्शन में ये काफ़ी आगे बढ़ी, और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श, विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से, और यहाँ तक कि 125,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो, जहाँ सभी सरकारों के साथ भी परामर्श किया गया हो, शिक्षा मंत्रियों से, देश के शिक्षा मंत्रियों से समय समय पर लगातार विचार विमर्श किया गया हो, देश के सभी राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ परामर्श किया गया हो, जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बात की गई हो, और राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ प्रदेश वाइज लगातार सुबह से शाम तक इन नीतियों पर, इनके एक एक विषय पर परामर्श और चर्चा की गई हो, संभवतः देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा। और इन लंबे रास्तों से होकर के गुजर करके, क्योंकि ये देश की शिक्षा नीति बन रही है, शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की आधारशिला होती है, और इसलिए व्यापक परामर्श और सब लोगों की चर्चाओं के बाद, और जब हमने इसको पब्लिक डोमेन में डाला था उसके बाद भी 2,25,000 के करीब सुझाव आए, उन सुझावों में भी हमने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दो अलग सचिवालय बनाए, 15-15, 20-20 टीमें विशेषज्ञों की बनाई, व्यापक उनका विश्लेषण किया, और उस सब के बाद इसको एक शिक्षा नीति के इस निचोड़ पर ला करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई जो कैबिनेट है उसने इस पर अपनी अंतिम सहमति दी है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, उस मंत्रालय की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और मैं देश के लगभग 1,000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15,00,000 से भी अधिक स्कूल, 1,09,00,000 से भी अधिक अध्यापक, और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33,00,000 से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी, जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य, शिक्षा का गंतव्य हिंदुस्तान होगा। मैं एक बार फिर आप सबको भी शुभकामना देना चाहता हूं, और आज तो ये नीति में मुख्य क्या क्या बिंदु हैं इन बिंदुओं की चर्चा की, लेकिन कभी भी आपको चर्चा करनी हो तो मैं समझता हूं कि उसके लिए हमेशा चर्चा के लिए
समय है और इस पे इतनी व्यापक चर्चा हुई है, लेकिन इस नीति को नीचे तक ले जाने के लिए आपकी भी सहयोग की हमको जरूरत पड़ेगी। एक बार प्रकाश भाई को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज टुडे दिस इज अ हिस्टोरिक डिसीजन विच हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय बोथ द सेक्रेटरीज एंड द मिनिस्टर कंसर्न, एंड आई थिंक वी आर गिविंग अलॉन्ग विथ इट अ डिटेल्ड नोट इन विच ऑल द फीचर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आर मेंशन्ड, एंड देयरफॉर टुडे आई हैव अ रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर सवाल पूछने को एक बार शुरू करेंगे तो हर एक को सवाल है, क्योंकि शिक्षा हर घर का विषय है, आपका भी है, और इसलिए हम एक भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं रखना चाहते। लेकिन वो आज सब न करते हुए कल से, हाँ यानी बाद में मंत्री जी मिलेंगे, और क्योंकि आपको भी डाइजेस्ट करना है, और देखो आज अगर आप सारा रिपोर्ट, सारा प्रेजेंटेशन और सभी प्रेस रिलीज सब दोगे तो पेपर में दूसरा और प्रश्नोत्तर तो दूसरा कुछ छापने को जगह नहीं रही, तो ऐसा मत करो। और इसलिए सो वील टेक क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स, नॉट टुडे, दैट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। तर एकूणच नवीन शिक्षण धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे। नवीन शिक्षण धोरण जे आहे ते आता केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये त्याला मंजुरी देण्यात आलेली आहे। नव्या धोरणानुसार सेमिस्टरवरती भर दिला जाणार आहे, सर्व प्रकारच्या विद्यापीठांसाठी समान नियम आता असणार आहेत। महत्त्वपूर्ण बदल जे आहेत तर ते करण्यात आलेले आहेत। एमफिल डिग्री जी आहे ती कायमस्वरूपी बंद करण्यात आलेली आहे। महत्त्वपूर्ण असा हा निर्णय जो आहे तो नवीन शिक्षण धोरणामध्ये करण्यात आलेला आहे। दिव्यांगांना शिक्षणासाठी देशभर सुविधा ही पुरवली जाणार आहे। तर बोर्डाच्या परीक्षेचं महत्त्व हे कमी केलं जाणार आहे आणि सेमिस्टरवरती आता भर दिला जाणार आहे।